नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, जिसमें पशुचारी एवं कृषक समुदाय के बारे में। यह जो नोट्स है यह धर्मेंद्र सर का है। तो आइए शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। सिंध क्षेत्र के बाहर अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। इन्हें ताम्रपाषाणिक कहा गया है। ये जहाँ पर निवास करते थे वहाँ पर्वतीय भूमि और नदियाँ थीं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ताम्रपाषाणिक काल के प्रमुख स्थल आहाड़, गिलुंद, बालाथल हैं। आहाड़ उदयपुर जिले में तथा गिलुंद चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस संस्कृति के लोग अपने मकान गीली मिट्टी तथा पत्थर के बनाते थे। कभी कभी दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। गिलुंड में पकी ईंटों के भी साक्ष मिलते हैं। इस संस्कृति के मुख्य भांड काले तथा लाल रंग के हैं। कुछ पर सफेद ज्यामिति आकृतियां बनाई गई हैं। आहार संस्कृति का कालक्रम ईसा पूर्व 2500 1500 के बीच निर्धारित किया गया है। तारपषाड़ का दूसरा प्रमुख क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश है। इसके प्रमुख स्थल कायथा एरण नवदा टोली है। तारपषाड़ी काल के सबसे अधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, नासिक आदि हैं। इनामगांव से नारी की मूर्तियां तथा वृषभ की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। संभवतः ये लोग माता देवी की पूजा करते थे। मालवा तथा जरवे संस्कृति के लोग कताई बुनाई भी करते थे। मृतकों की अस्थि कलश में रखकर घरों के भीतर गाड़ते थे। गंगा, यमुना, दोआब से दो धार वाली कुल्हाड़ियाँ, हारपून, करछे, दूसंगी, तलवार आदि मिले हैं। नूह राजस्थान तथा इसके दोआब क्षेत्र में लोहा काले व लाल मृदु भांडों के साथ मिलता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व है। विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति जो एशिया माइनर टर्की में ईसा पूर्व 1800-1200 के लगभग शासन करती थी, लोहे का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको प्राग ऐतिहासिक संस्कृति संबंधित पशुचारी और कृषक समुदाय के बारे में बताया। इससे अधिकांश एशियन हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पर राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो स्थल है, जो आहाड़, गिलुंद, एरण, नवदा टोली, इमामगांव, सुनारगांव आदि, ये कहाँ पर, इनकी क्या विशेषता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट अवश्य करें।